ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। शुरू दिन से ये लोग हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है। इनका पैरिटी को मान लिया, वन यूनिट को मान लिया, सारा बिजनेस इनको दे दिया, दो नंबर का शहरी बनकर रह गया। आखिर ये लोग चाहता क्या है? बर्दाश्त का एक हाथ होता है। हम लोग अपना बच्चा लोग के सामने आंख मिलाने के काबिल नहीं है। एकदम ठीक बात बोल रहा है। सुबह से क्लासों का बॉयकॉट चल रहा है। लड़का लोग मरने मारने पे तुल गया है। अरे तो उनको समझाने का है, एक गलती का जवाब अगर दूसरी गलती से देगा तो सम टोटल दो गलती हो जाएगा। कानून को हाथ में लेने से स्टूडेंट लोग का अपना नुकसान है, किसी और का नहीं। ये मसला नेता लोग ने फैलाया हुआ है, ये उन्हीं को हल करना है। अरे वो लोग हमको अपना बराबर समझे तब ना। हमने उनके खातिर क्या कुछ नहीं किया है। अपना जुबान, अपना तारीख, अपना जोग्राफिया, अपना कल्चर सब कुछ कुर्बान कर दिया है, सबका बंटवारा कर दिया है। जवाब में क्या मिला है? एक गुलामी के बाद दूसरा गुलामी। आमी बुझे समय इसे गेछे। मेरे ख्याल में आप स्टोरी को रिराइट करना पड़ेगा। इकबाल की जगह रविंद्रनाथ टैगोर को लाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान हमारा सिक्स पॉइंट नहीं मानता है, हमको मंजूर नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। की बोलते डॉक्टर मुनीर, पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल में इस नारा का एक्सपायरी डेट आ गया है। हम लोगों का नेचुरल लॉ कोलकाता है, लाहौर नहीं है, और ये बात आने वाला नस्ल को खुलकर बताना पड़ेगा। गलत, बिल्कुल गलत। आपका ये बात गलत भी है और आपका मनसब का खिलाफ भी है। हमारा काम रास्ता दिखाना है, पार्टी बनना नहीं है। आप बाहर से आया है, आपको मालूम नहीं है कितना कोंडोगोल हो गया है, कितना खराबी पैदा हो गया है। नया नस्ल अपना फैसला खुद करना चाहता है। इन लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा करना पड़ेगा। चंद गुमराह जहन पूरी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है, और हुकूक के नाम पर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यस, वेरी फाइन। ठीक है।